हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको ले चल रही हूँ कोटेलिंगेश्वर महादेव, मतलब महादेव मैं कह रही हूँ, उस जगह का नाम है कोटेलिंगेश्वर स्वामी टेंपल। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बेंगलोर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी में है और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है, घूमने लायक है। और हम भी जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ जाके, जो वहाँ पर कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित है, तो मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मतलब बहुत बड़ी नहीं, लेकिन महादेव को मैं बचपन से पूजती आई हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ दर्शन करने जा रही हूँ। ये ट्रिप हमारा इसी प्रकार चल रहा है, अभी तक हम लोग लगभग 12 किलोमीटर आ गए हैं, क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है, तो 75 किलोमीटर दूर है, तो अभी 12 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं और धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हमारी मंजिल से ज़्यादा हमारे रास्ते सुहाने होते हैं, तो बस वो रास्तों के मज़े लेते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम जिन रास्तों से जा रहे हैं वो जो लोकल साउथ है, जो अपना साउथ इंडिया कहते हैं हम, जिसे जहाँ अभी हम हैं कर्नाटक में, तो यहाँ के गांव से होते हुए जा रहे हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ आसपास खेती है, अलग अलग प्रकार की खेतियाँ हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, तो वो सब कुछ नज़ारे हमें देखते मिल रहे हैं। तो आगे आप भी इंजॉय कीजिए। और कोटेलिंगेश्वर महादेव मंदिर में हम पहुँचते ही आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे, जो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है, और आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर रास्ते में हम चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो तेज पत्ता होता है, क्योंकि आपने सुना तो होगा साउथ में सबसे ज़्यादा स्पाइस, मतलब मसाले ज़्यादा होते हैं, तो ये देखिए यहाँ मंदिर है जो बहुत अच्छा लग रहा था, जो तिरुपति बालाजी, आपने सुना होगा नाम, तो उसी टाइप का यहाँ पूरा गोल्डन कलर में है और बहुत अच्छा मंदिर लग रहा था। तो हम सोच रहे थे कि रुकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग 9:30 बजे निकले और हमें मतलब लगभग 2.5 घंटे तो वहीं पहुँचने में लग जाएगा। और बेंगलोर में आपको, जैसे मैंने पहले बताया है कि बेंगलोर के हर एक कोने में जगह जगह झील यहाँ बहुत है, मतलब अच्छी झीलें हैं जो देखने के लिए मिलती है। तो बस रास्ते में हमें ये झील पड़ी थी, और ये हाईवे कह रहे हैं इसको, मतलब मैप तो यही बता रहा कि ये हमारा हाईवे है, लेकिन ये कच्चे कच्चे रास्ते हैं, मतलब लगभग ये हमें 15 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही मिला था, कच्चा सा। और शिवन्या हो रही थी बोर, बोले मम्मी मेरे साथ खेलो, और वानी सो गई है। कहीं जाने से पहले सबसे पहले मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों मेरे घर से बाहर निकलते तो सबसे पहले इनको प्यास और भूख दोनों लग जाती है। आप उनको नाश्ता करके भी ले जाओ तब भी लगती है। तो जाते हुए सबसे पहले मैं खाना बनाई हूँ पूरा इन लोगों को खिलाने के लिए, जिसको जो जो पसंद है वो सब मैंने पैक करके रख लिया है। और नाश्ते में हम लोगों ने पोहा खा लिया था, और उसके बाद में हम निकल गए। और ये देखिए, ये पूरे तेज पार लगा है, शहर के बाहर मतलब की अच्छी जगह मिली है, ये मस्त गांव दिख रहा हो, खेती यहाँ भी दिख रहा है, गोभी निकाल के लेगा गोभी थोड़े दिन। किस किस को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना किस किस को पसंद है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको घूमना पसंद है, या बस आप कार में घूमना पसंद करते हैं, या बस में, या ट्रेन में, हर किसी को अलग अलग सफ़र पसंद होता है। तो आपको किस तरह से सफ़र करना पसंद है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे सफ़र को इसी तरह इन्जॉय कीजिए। और आगे का जो हमारा रास्ता होने वाला है और सुहाना होने वाला है, और काफ़ी अच्छे छोटे छोटे गाँव से होते हुए हम जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ऐसे गाँव हमें कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ की खेती जो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की खेतियां हैं, जो हमें देखने के लिए मिल रही है, कितनी अच्छी दिख रही है, हरी पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी कैबेज, और ये है तेज पत्ता, पेड़ों का भी, ये है नारियल का पेड़। किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, और ये बच्चा जो है सिर्फ सोते हुए आ रहा है, इसको मतलब आसपास हमने इतने अच्छे अच्छे नजारे देखे, इसको कुछ मतलब नहीं है, क्यों शिवान्या? ये सोते हाँ। हुए है, शिवान्या ने देखा ना, मैंने तुम ब्यूटीफुल तुझे देखा, तुमने नहीं।
ब्यूटीफुल। हमने गार्डन देखा, रोज गार्डन देखा फ्लावर वाले, और खेती देखी जहाँ पर वो लगे थे क्या, गोभी लगी थी, पत्ता गोभी लगी थी। और ये देख, ये जो पेड़ है ना, ये वो उसका है क्या बोलते हैं, तेज पत्ता, जो हम मसाला में यूज करते हैं वो है ये। तो इसकी खेती, इसकी खेती नहीं मतलब इसका जो जहाँ पर बगीचा हुआ है वो देखे, बहुत सारी चीजें देखे। ये सिर्फ सोती रही। तो हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं, तो शिवन्या को पीना है क्या, नारियल पानी। शिवन्या को पीना है नारियल पानी, इसके पापा थोड़ी सी चाय पियेंगे क्योंकि काफी लंबा सफर हो गया है। और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे, मतलब रास्ते में हम लोग आए तो ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी कि भलाई हमारी डेस्टिनेशन दूर है लेकिन जो हमारा सफ़र रहा ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा और बहुत अच्छा है। और हम जैसे ही जाएंगे तो हम महादेव के दर्शन करने वाले हैं और आपको ज़रूर कराऊंगी। ये मतलब मेरी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा एक अनुभव होने वाला है क्योंकि ये बहुत अच्छा। इतनी अच्छी है कि उसको पता है कि कब खाना पीना है, बट से उठ गई। क्यों वाली हो गई ओ मां, पापा मैं हमें मम्मी पिरो ना यम्मी रफी। पानी नारियल पानी बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैं तो दीदी खाना ऐसे निकलती है ये मलाई, और कल जो मलाई निकली थी ना वो पूरा ऐसा नारियल निकला था, तो खाने में इतना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, मस्त मजा आ गई थी। अभी अच्छे से बैठ के दोनों हाथ से इनको पीना था सबसे ज्यादा, नारियल पानी, नारियल पानी चाहिए पापा पापा पापा। ये जो मैन है, हम कोलार में पहुंच गए हैं, कोलार डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए जो हमारे घर से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जो मेन गेट लगा हुआ है, तो शायद यहाँ कोटेलिंगेश्वर लिखा हुआ था या और कुछ लिखा था, तो हम मेन जो है कोलार में पहुंच गए हैं। ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा था तो हमें तो समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। और ये जो KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड, जो आपने KGF मूवी देखा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट आने वाला है, तो वो यही डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ ही मतलब जो कोटेलिंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो खदान बंद हो चुकी है। तो और हमें यहाँ पर पहुँचते हुए हम लोग लगभग 12:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, हम घर से निकले थे 9:30 बजे, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया पहुँचते हुए क्योंकि दूर है और रास्ते ऐसे है कि कच्चे रास्ते थे थोड़े, और थोड़ा पक्का रास्ता था, तो आते आते हमें टाइम हो ही गया है। और आगे चल के मैं आपको दर्शन कराऊंगी। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सेकंड